हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा, जो आपके आने वाले बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बीए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ग्रीक एवं अंग्रेजी, लैटिन एवं ग्रीक, फ्रांसीसी एवं लैटिन, रूसी एवं ग्रीक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैटिन एवं ग्रीक। देखिए, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी जो है लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा से मिलकर बना है, जिसमें कि सोशियस शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगस शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी कि सोशियस और लोगस दोनों शब्द से मिलकर बना है सोशियोलॉजी। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं दुर्खीम, स्पेंसर, मर्टन, बेरिस्टीड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिस्टीड। यानी कि बेरिस्टीड ने जो है सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्शन यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपके ऑप्शन है फ्रायड, दुर्खीम, कूले या फिर मीड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कूले। कूले ने जो है अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एवं सोशल ऑर्डर में समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा दी। आपके ऑप्शंस हैं कामटे, दुर्खीम, वेबर, सोरोकिन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम। पाँचवा प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया। आपके ऑप्शंस हैं डी एन मजुमदार, जे एच हट्टन, हर्बर्ट रिजले, एम एल दुर्खीम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट रिजले। छठा प्रश्न है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बताया, समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी यानी कि सोशियस एवं लोगस दो शब्द से मिलकर बना है, जो कि क्रमशः लैटिन और ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसी कारण से जो है जे एस मिल का विचार था कि समाजशास्त्र को इथोलॉजी शब्द कहके कहा पुकारा जाए। चलिए सातवां प्रश्न है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एक विवाह, क्रमिक एक विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। देखिए, जब कोई निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं वीपी मंडल, पीसी महलोनवीस, जवाहरलाल नेहरू या फिर काका कालोलकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, काका कालोलकर। काका कालोलकर जो थे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, यह जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था वह बनाया गया था आर्टिकल 340 का उपयोग करके, और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो काका कालोलकर बनाए गए थे। और देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया था किसने किया था, तो भारत के राष्ट्रपति ने किया था। चलिए नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया। आपके ऑप्शन हैं कामटे, मार्क्स, मॉर्गन, वेबर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कामटे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दसवां प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है यह, किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है बेरिस्टीड, सोरोकिन, बोटोमोर या फिर मैकाइवर एवं पेज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिस्टीड। बेरिस्टीड का मानना था समाजशास्त्र का अतीत जो है बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन बेरिस्टीड का है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अरुणता जनजाति का अध्ययन किया। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अरुणता जनजाति कहाँ पाई जाती है। यह भारत में नहीं पाई जाती, आपको बता दें अरुणता जनजाति जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है अरुणता जनजाति, और इसका जो अध्ययन है वह दुर्खीम ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए बारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं परिवार, स्कूल, मित्र मंडली या फिर प्रथा। देखिए परिवार हो गया, स्कूल हो गया, मित्र मंडली, ये तीनों जो है समाजीकरण की एजेंसी है, लेकिन प्रथा जो है समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कल्चर सोशियोलॉजी, यानी कि कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे गिलिन, मेकाइवर एवं पेज, थॉमस एवं नैनकी, ऑगबर्न एवं निम्पाक। देखिए कल्चर सोशियोलॉजी नामक जो पुस्तक लिखी गई थी वो गिलिन के द्वारा लिखी गई थी। गिलिन ने यह पुस्तक लिखी थी। 14वां प्रश्न है सांस्कृतिक विलंबना यानी कि कल्चरल लैग की अवधारणा किसने दी? आपके ऑप्शन हैं सोरोकिन, टाइलर, वेबलेन, ऑगबर्न। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑगबर्न। ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना यानी कि कल्चरल लैग की अवधारणा दी थी। इसने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी। इनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है सोशल चेंज, उसी में इन्होंने कल्चरल लैग की अवधारणा दी थी। चलिए 15वां प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्खीम, मेकाइवर एवं पेज, मिलर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मेकाइवर एवं पेज। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन है लिंग, आयु, शिक्षा, नातेदारी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा। 17वां प्रश्न है अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया? आपके ऑप्शंस हैं अंबेडकर, ठक्कर बापा, वेरियर एल्विन, जी एस गुरिये। देखिए सर्वप्रथम जो है यहाँ पे जी एस गुरिये ने जो है अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू कह के संबोधित किया था। देखिए जी एस गुरिये का मानना था जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं भारत में वो सभी पिछड़े हिंदू हैं। 18वां प्रश्न है भारत में सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के आरक्षण का प्रतिशत कितना है? यह तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27। 18वां प्रश्न है भारत में सरकारी सेवाओं यह है 19वां प्रश्न हम सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी यानी कि संस्कृताइजेशन की अवधारणा किसने दी? आपके ऑप्शन हैं MN श्रीनिवास, आंद्रे बेते, SC दुबे, मेकाइवर एवं पेज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा MN श्रीनिवास। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सीमेल, वेबर, दुर्खीम, वीरकान। देखिए इसमें से जो है तीन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सीमेल, वेवर और वीरकांड, ये तीनों जो हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के सदस्य हैं समाजशास्त्र के, लेकिन दुर्खीम की अगर हम बात करें तो दुर्खीम जो है संवर्णात्मक संप्रदाय के सदस्य हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं PN प्रभु, KM कपाड़िया, इरावती कर्वे, मॉर्गन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा KM कपाड़िया। KM कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर का बी सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास योजना यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ कब हुआ? देखिए अगर हम भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो वह 1952 में आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं रिजले, JH हट्टन, डेविस या फिर CH कूले। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि CH कूले। 24वां प्रश्न है व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं LHS इंक्लेस, TV बोटोमोर, HM जॉनसन, जिन्सबर्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए LS इंक्लेस। चलिए 25वां और अंतिम प्रश्न है यह, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं
सामुदायिक सामान्य जीवन, ऐच्छिक सदस्यता या फिर मूर्तता। देखिए इसका आंसर तो आपको ही देना पड़ेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखें। गलती होगी तो मैं ज़रूर आपको सही करूंगा। और मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो जाके जल्दी से जुड़ जाइए, वहाँ पे बीए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।